वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा, प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट। और बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात की तरफ आपकी तवज्जो मैं आज दिलवाना चाहूँगी, वो ये है कि हमारे यहाँ बिल्कुल भी ऐसा कल्चर मौजूद नहीं है। हम बिल्कुल भी इतने अवेयर नहीं हैं कि जो हम सालहा साल अपने टेस्ट नहीं करवाते, हमें पता ही नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, कितनी तरह की डेफिशिएंसीज हम लिए घूम रहे हैं और उससे कितने तरह के जो हमारी सेहत से रिलेटेड मसले मसाइल हैं वो जन्म ले रहे हैं। आई थिंक एक बड़ी ही लापरवाही की बात है। आप बाहर देखें, वेस्टर्न कल्चर देखें, गोरे को आप देखें, तो वो आफ्टर एवरी 6 मंथ शायद या शायद साल में एक बार ज़रूर अपना प्रॉपर जो चेकअप है वो करवाते हैं। उनको पता होता है कि उनकी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, कोई खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई नुकसान, कोई डैमेज तो नहीं है, कितनी तरह की डेफिशिएंसीज हैं या क्या मसले मसाइल हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से अभी तक रिवाज नहीं है जब तक तकलीफ़ या मर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी में जो मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसीज हैं वो किस तरह की हो सकती हैं और हमें किन बीमारियों की तरफ लेके जा सकती हैं और कितना अर्ली हमें किस चीज़ का टेस्ट करवाना ज़रूरी है, रिकमेंडेड है। हमारे साथ मौजूद हैं समन इश्तियाक साहिबा, उनसे हम आज इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं समन? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ समन। एक डेफिशिएंसी जिसकी बात अक्सर हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर्स, जब भी मेरी उनसे मुलाकात होती है और वो बात करते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी में हम बहुत आगे हैं और उसकी वजह ये कि एज सच तो हमारे खानों में भी हमें वो विटामिन डी नहीं मिलता और दूसरा कि हम सनलाइट में नेचर से भी बहुत दूर है, सनलाइट भी नहीं हम लेते हैं, तो ये नंबर जो है वो बहुत बड़ा है। ऐसा ही है? ऐसा ही है बिल्कुल। जब यह 80-90% जो आपकी पॉपुलेशन है ना उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, 80-90%। और अब आप ये देखें कि सिर्फ एडल्ट्स में नहीं, इवन बच्चों में भी, आप बच्चों में देखें आजकल बच्चे ये कंप्लेन से आ रहे होते हैं कि वो थोड़ा सा भी चलते हैं या खेलते हैं तो उनकी बोन हेल्थ इशूज़ आना शुरू हो गए हैं, बोन पेन आना शुरू हो गई है, क्योंकि बेसिकली अनफॉर्चुनेटली विटामिन डी की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो हमारे फूड सोर्सेज में नहीं है, वो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पे एक सनलाइट है और सनलाइट भी वो जो सुबह वाला होता है 10 से 1 बजे वाला दरमियान वाला जो टाइम है, लेकिन वो पीक आवर्स में या तो हम सो रहे होते हैं या हमारे जो वर्किंग वूमेन है या जो जॉब पर जा रहे होते हैं लोग, तो वो उनमें हम बिल्कुल अंदर हमने अपने आप को रखा होता है और बिल्कुल हमारा वो एक्सपोजर नहीं है सन की तरफ, तो जिसकी वजह से आजकल लोगों में विटामिन डी की बहुत डेफिशिएंसी आना शुरू हो गई है। इसके अलावा विटामिन डी जो है वो आपके फूड सोर्सेज में बहुत कम पाया जाता है, 1 से 2 चीज़ों में, जैसे एग योक में जो अंडे की सर्दी में उसमें पाया जाता है या नट्स में होता है, लेकिन वो भी बहुत मिनिमम क्वांटिटी में, यानी कि हमारे जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा नहीं कर नहीं करता बिल्कुल। तो इसीलिए फिर हम रिकमेंड करते हैं एज अ डाइटिशियन कि आप विटामिन डी के जो कैप्सूल्स होते हैं या विटामिन डी के जो इंजेक्शन होते हैं वो एवरी मंथ जो है वो ज़रूर कंज्यूम करें, हर महीने साल के 12 महीने यूज़ करने हैं, साल के 12 महीने नहीं, उसका भी प्रॉपर एक कोर्स होता है, क्योंकि वो या तो आप वंस अ वीक रिकमेंड करते हैं या वंस अ मंथ, ठीक, तो वो भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी कितनी है। जैसे विटामिन डी में अक्सर ये होता है कि पेशेंट आते हैं इस कंप्लेन से या कि हमें लेथार्जी बहुत फील हो रही है, मूड स्विंग्स हैं और हड्डियों में पेन हो रही है, तो हम विटामिन डी का टेस्ट रिकमेंड करते हैं। उसी पे डिपेंड करता है कि आपने उसकी डोज को किस तरह रेंज करना है, वंस अ वीक करना है, ट्वाइस अ मंथ करना है या वंस अ मंथ करना, ठीक। अच्छा, अगर वंस अ मंथ यूज़ किया जा रहा है तो उसके बाद जो नेक्स्ट डोज है वो फिर कब हम लेंगे? अच्छा, मिनिमम ये ना भैया, हमने 3 मंथ्स तक जो है वो हमने देना होता है, ठीक है, 3 महीने कंटिन्यूस आप उसका वो, उसके बाद हम गैप लेते हैं, उसके बाद आप अपना टेस्ट करवाते हैं, अगर इन केस आपको ज़रूरत होती है फिर हम आगे 3 मंथ्स करवाते हैं, अदरवाइज हम वहाँ पर स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या सिम्टम्स हैं अगर हम सिर्फ अभी स्पेसिफिक रहते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी पर, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि जिस जो विटामिन डी डेफिशिएंट हैं उनकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है या कोई किन मसलों की तरफ एक्चुअली लेकर जा सकती है? अच्छा नबिया, बेसिकली या तो पेशेंट आएगा आपके साथ इस कंप्लेन से कि मुझे बोन हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, हम उठते हैं बैठते हैं वो क्रक क्रक की आवाज़ें जो है नॉर्मली वो आना शुरू हो रही हैं, मूड स्विंग्स, लेथार्जी, कि आप थोड़ा सा भी काम करें आप थक जाते हैं, ठीक, तो ये एक मेन सिम्टम होता है विटामिन डी का। और विटामिन डी जैसे आजकल आप देखेंगे एक तो एक्सपायर नहीं है, डाइट से भी नहीं मिल रहा, सेकेंडली जो हम जंक फूड का इंटेक ज़्यादा कर रहे होते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, तो वो आपकी बोन्स के अंदर से कैल्शियम और विटामिन डी जो स्टोर हुआ होता है उसको ड्रेन आउट कर देता है, तो इसकी वजह से जो है वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा ठीक है, टांगों का, पैरों का दर्द रहना,
या सुन हो जाना भी एक इसके अलामत में से है? नभिया, ये भी डिपेंड करता है कि समटाइम्स पेशेंट आते हैं तो वो भी यूरिक एसिड भी हो सकता है कि आपको इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, आर्थराइटिस की तरफ भी जा सकते हैं और डिफरेंट मल्टीपल बोन हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं. विटामिन डी का बेसिकली ये होता है कि अब तो 80-90% मैं कहती हूँ कि फीमेल्स में, बच्चों में, मेल्स में, सब में कोई भी टेस्ट करवा लूँ तो उसके में विटामिन डी की डिफिशेंसी होगी होगी. अच्छा समन, ये बात कितनी हद तक दुरुस्त है? मैं किसी डॉक्टर से ही मेरी मुलाकात हुई, प्रोफेशनल थे और उन्होंने कहा कि विटामिन डी जो है वो अपनी ज़िंदगी में लाजमी रखें. जैसे कि आपने भी इशारा किया मूड स्विंग्स वाली बात, उन्होंने कहा कि ये आपको इतना खुश रखेगा आपके, अगर विटामिन डी के अगर आप डिफिशेंट नहीं है तो आप यू नो खुश रहेंगे, चहकते रहेंगे. जैसे आपने कहा ना कि जो डिफिशेंट है इसके उनके मूड स्विंग्स के बड़े मसले मसाइल हैं. सो इज़ इट ट्रू? इट्स ट्रू नभिया. बेसिकली आपको लग रहा होता है कि आपके मूड स्विंग्स हैं या आप थक रहे हैं तो आप लेथार्जी हैं या आपके स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, जबकि मेन कल्प्रिट पीछे विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है. ये जितने विटामिन्स और जितने मिनरल्स हैं या हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, हम इनको इतना सीरियस लेते नहीं हैं. जबकि आप प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड तक अगर इनमें डेफिशिएंट रहे आपकी बॉडी, तो ये आपकी बॉडी पे इसके जो है सिम्टम शो होना शुरू हो जाते हैं. जैसे विटामिन डी का एक तो बोन हेल्थ इशू आ गया, इसके अलावा विटामिन के जितने भी हमारे विटामिन सी है उसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो बहुत ड्राई हो जाती है, स्किली हो जाती है, आपके बायोटिन है, मिनरल्स हैं मल्टीपल, ये तमाम वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनका हमारी बॉडी में जितना मैक्रोस का रोल है, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, वो तो आपको नॉर्मली किसी भी रोटी सालन से भी मिल जाएगा. हम विटामिन और जो मिनरल्स हैं उनकी तरफ इतना फोकस नहीं करते, जबकि जितना आपके मैक्रोस जरूरी है उतने ही इंपॉर्टेंट आपके माइक्रोस हैं. ठीक. अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं, ज़रा चलें थोड़ी सी स्थैटिक की भी बात कर लेते हैं. जैसे कि आपने इशारा किया कि स्किन, हमारे बाल हो गए, हमारे नेल्स हो गए, ख़वातीन चाहती हैं कि स्किन भी ग्लो करे, नेल्स भी उनके अच्छे रहें, बाल भी, यू नो, हेयर फॉल भी. समटाइम हमें नहीं पता होता कि हमारे कौन सी डिफिशेंसी है कि इतना हेयर फॉल हो रहा है, स्किन पैची है, स्किन ड्राई हो रही है, तो क्या मसले मसाले नाखून टूटते चले जा रहे हैं, तो ये कौन सी डिफिशेंसीज हैं जिसकी वजह से हमें हमारी स्किन, हेयर और नेल्स का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है? उसमें तो नभिया सबसे पहले एक आयरन आ जाता है आपका. आयरन आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आयरन में बेसिकली ये होता है कि आयरन हमें मिलता ही आपकी ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स से है और जितना आपका एनिमल प्रोटीन है वो उस सोर्सेज में से आपको मिल रहा होता है बेसिकली. लेकिन आयरन एक तो हम पहले टेस्ट करवाते हैं आपका CBC, उसके अलावा आपके जितने ये आपके थायराइड के जो होते हैं इसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि बेसिकली जो थायराइड होता है वो आपकी बॉडी में आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करता है और अगर आपके वही एक्सेस अमाउंट में चले जाएँ तो वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है आपकी. तो बेसिकली ये आपका डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में किस विटामिन की, किस मिनरल की डेफिशिएंसी है. और विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है. आजकल हम देख रहे होते हैं, आपने स्टेटिक की बात की कि विटामिन सी के सीरम्स आ गए, तो वही हम प्रेफर करते हैं कि विटामिन सी लगाने से बेहतर है कि आप उसको कंज्यूम कर लें, आप खा लें, उसका ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आपकी बॉडी पर होगा. अच्छा, अगर किसी विटामिन का, मिनरल का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए या आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा ना कि हेयर, नेल एंड स्किन के लिए ख़वातीन वैसे ही रेगुलर मल्टीविटामिन्स भी यूज़ कर रही होती हैं, चेक करवाए बगैर, टेस्ट करवाए बगैर हम यू नो रेगुलर बहुत सारे मल्टीविटामिन्स ले रहे होते हैं, उसका भी नुकसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है नभिया. ये सिर्फ मेडिकेशन का, जब भी आप एक्सेस अमाउंट में किसी हेल्दी चीज़ का भी यूज़ करते हैं तो वो भी आपकी बॉडी में अनफॉर्चुनेटली उसके अनहेल्दी इफेक्ट्स आते हैं. चाहे वो जितनी मर्जी हेल्दी चीज़ है, जब आप उसकी एक्सेस अमाउंट, ओवर एक्सेस आप डोज लेंगे किसी भी चीज़ की, तो आपकी अनफॉर्चुनेटली आपकी बॉडी पर उसके जो इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स, वो आएंगे ही आएंगे. डिपेंड करता है कि आप अपने कंसल्टेंट को, डाइटिशियन को आप कंसल्ट करके आप अपनी डोज के अकॉर्डिंग जो है, अपनी एज के अकॉर्डिंग उसकी डोज जो है वो सेट करके फिर आप कंज्यूम करें. सेकेंडली, एक और हमेशा मैं बात करती हूँ नभिया कि विटामिन्स का बहुत डिपेंड करता है कि आप इसको किस फूड सोर्सेज के साथ ले रहे हैं. जैसे हम आयरन जो है कभी भी दूध के साथ नहीं देते. आयरन की अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं इस कंप्लेन से कि हमने तो 6 मंथ्स कोर्स कर लिया आयरन का, फिर भी हमने CBC करवाया तो हमारा एज भी तो बहुत डाउन है. तो डिपेंड कर रहा होता है कि वो हम जब उनसे अवेलुएट करते हैं उनकी चीज़ों को तो वो दूध के साथ मेडिसिन ले रहे होते हैं. तो जब भी आप आयरन को दूध के साथ लेते हैं तो आपकी एब्जॉर्प्शन को रोक देता है. आयरन हमेशा हम कहते हैं कि विटामिन सी के साथ या पानी के साथ, विटामिन सी जो जूसेस होते हैं उनके साथ या फिर आप पानी नॉर्मल जो आपका रूम टेम्परेचर का पानी होता है उसके साथ कंज्यूम करते हैं ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो सके. अच्छा, ये टाइमिंग्स बड़े मैटर करते हैं कि कैल्शियम की टैबलेट आपने आयरन के साथ नहीं लेनी है या गैप देखें आपने उसमें वो रखना है. टाइमिंग्स कितना मैटर करते हैं? अक्सर लोग रात के टाइम मल्टीविटामिन्स ले रहे होते हैं.
तो डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई इसका तो कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान है। बिल्कुल ऐसी है नभिया, हर मेडिसिन का वो न्यूट्रिशन ड्रग इंट्रैक्शन भी होता है और ड्रग ड्रग साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपकी जो फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन होती हैं उनमें और जो आपके न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स होते हैं उसमें मिनिमम 45 मिनट्स का गैप ज़रूर होना चाहिए ताकि उनकी अब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाए। और डिपेंड करता है कि आप जो चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी फूड सोर्सेज आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, और अगर आप न्यूट्रिएंट्स ले भी रहे हैं, फूड सोर्सेज ले भी रहे हैं, तो क्या वो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो रहे हैं या नहीं हो रहे। समटाइम्स लोग ले रहे होते हैं बट वही बात कि उसको किसी मेडिसिन के साथ ले लेते हैं या किसी ऐसे सोर्स के साथ ले लेते हैं कि आपकी अब्जॉर्प्शन को रोक देता है। ठीक है, अच्छा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये कितनी फुल ऑफ मिनरल्स एंड विटामिंस हैं और कौन सी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इससे क्या क्या हमें मिल रहा है? अच्छा नभिया, उसमें सबसे पहले तो ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आजकल मौसम है, ये साग पालक इनका ये आयरन रिच है। जितनी हमारी ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स हैं वो सब के सब आयरन रिच हैं, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ प्रोटीन इंटेक करेंगे तो वो एक तो एनिमल जिसमें फ़िश का मौसम आया हुआ है, सूप है, नट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आप उसकी कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। और वो ये सारी चीज़ें जो हैं आयरन से भरपूर हैं। प्रेगनेंट खवातीन अक्सर डिफिशेंसी का शिकार हो जाती हैं और फिर यू नो कोई भी प्रॉब्लम भी हो सकती है। डॉक्टर्स तो रिकमेंड करती हैं कि आप यू नो आयरन टैबलेट्स लें, कैल्शियम और बहुत सारे विटामिन की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग नाइन मंथ्स प्रेगनेंसी, लेकिन कुछ खवातीन यू नो नॉजिस फील कर रही होती हैं, वो नहीं ले पा रही होती हैं, तो वो भी नुकसानदेह है बच्चे के लिए भी, माँ के लिए भी। बिल्कुल नभिया, जैसे आप गेस्टेशनल पीरियड होता है 9 मंथ्स का, उसमें फर्स्ट 4 मंथ जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें हम फीमेल्स को रिकमेंड करते हैं कि आपने फॉलिक एसिड कंज्यूम करना है। अब वो फॉलिक एसिड हम या तो उनको सप्लीमेंट्स के डोज में देते हैं, और समटाइम्स पेशेंट कहता है कि हमसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे आयरन या फॉलिक एसिड लिया नहीं जा रहा, नोजिया फील हो रहा होता है, तो तब हम उन्हें कहते हैं कि आपकी जितने ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स हैं ये फॉलिक एसिड इसमें है, फ्रूट्स में, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में लेना शुरू कर दें। लेकिन फॉलिक एसिड आपकी प्रेगनेंसी में, फॉलिक एसिड और आयरन इसकी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अच्छा वो खवातीन खासकर जो कि कंसीव करना भी चाह रही हैं उनको कौन से मल्टीविटामिंस का इस्तेमाल पहले से स्टार्ट कर लेना चाहिए? अच्छा नभिया, उसमें ये होता है कि हम बिफोर आपके मैरिज हम 3 मंथ्स पहले ही फॉलिक एसिड कंज्यूम करवाना शुरू कर देते हैं कि आपने फॉलिक एसिड कंज्यूम करना है। ठीक है, अच्छा ये बच्चे के ब्रेन सेल्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है? बिल्कुल ऐसी है, जब तक आप फॉलिक एसिड नहीं लेंगे बच्चों में, जब तक पेरेंट्स आते हैं वो हमें आकर ये कंप्लेन करते हैं कि बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ रहे हैं, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रही, क्योंकि जितने आपके विटामिंस हैं, आपके मिनरल्स हैं, इनका आपकी बॉडी में रोल है कि ये आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प आउट करते हैं, आपके ब्रेन सेल्स में बहुत हेल्प आउट करते हैं, आपके DNA RNA की रेगुलेशन में बहुत हेल्प आउट करते हैं, आपके हार्मोन्स में रेगुलेट करने में बहुत हेल्प आउट करते हैं, ये ओवरऑल आपकी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एक जूस जिसकी बहुत यू नो बहुत फेमस है, ABC, अब ये कितना फ़ायदेमंद है? वैसे तो डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट यही कहते हैं कि रॉ फॉर्म में हम जितना फ्रूट ले सकते हैं वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें फाइबर भी होता है और जो जूसेस होते हैं वो शुगर कॉन्टेंट उसमें बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी ABC की बहुत चर्चा है। अच्छा नभिया, ABC वो एक टर्म यूज़ की गई है, ABC जूस, लेकिन बीइंग अ डायटिशियन आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप जो रो फॉर्म में जूस है ना, सॉरी रो फॉर्म में जो फ्रूट है, कोई भी है, कोई भी, वो आप कंज्यूम कर लें, क्योंकि उससे ये एक बेनिफिट होता है कि आपको फाइबर जा रहा है। जब हम उसको जूस की फॉर्म में देते हैं, अब फ्रूट का अपना अपनी मिठास होती है, फ्रूक्टोस होता है, अब उसमें चीनी डाल देते हैं, वाइट शुगर डाल देते हैं, फाइबर भी चला गया, फाइबर भी चला गया, उसके जितने फ्रूट के अपने न्यूट्रिएंट्स होंगे वो भी सारे आपने डिस्ट्रॉय कर दिए। और आपको वैसे भी मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप हमेशा रो फॉर्म में फ्रूट जो है, और ये जो मौसम सरमा के फ्रूट्स हैं, ये सारे आपके विटामिन सी रिचेस हैं, जिसमें आपके किन्नू, मौसमी, कीवी, ग्रेप फ्रूट, ये सारे आपकी स्किन के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, एक आपने बताया कि जो विटामिन डी है उसके अलावा बाकी हमें हर चीज़ हमारे खाने से, नेचर से हमें मिल रही है, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, नट्स की सूरत में, एनर्जी के लिए हमें कौन सा फल या नट्स या सब्जी का इस्तेमाल करना चाहिए? अक्सर लोग बहुत लो फील करते हैं कि नहीं यू नो एनर्जी नहीं है या थकावट का एहसास है, तो इसके लिए हमें अपनी डाइट में किस तरह की तब्दीली लेकर आनी चाहिए? अच्छा नभिया, बेसिकली हमारे 5 फूड ग्रुप्स होते हैं, जिसमें कार्ब्स जो आपके अनाज से मिल जाता है, प्रोटीन जो आपके प्रोटीन एनिमल सोर्सेज अंडा गोश्त कीमा चिकन इनसे मिल जाता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स नट्स और डेयरी प्रोडक्ट, ये आपकी प्रॉपर डेली अगर आपको एक एनर्जी चाहिए तो आपको एक प्रॉपर आपका जो प्लेटर है वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसमें अनाज का पोर्शन भी हो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का भी हो, आपकी प्रोटीन का भी हो और आपका डेयरी प्रोडक्ट भी हो, चाहे वो दूध की फॉर्म में हो, शेक की फॉर्म में हो या आपका योगर्ट की फॉर्म में हो। तो ये 5 जब आप फूड ग्रुप्स डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं
तब जाके एक आपकी एक हेल्दी बॉडी होती है। अच्छा, जो शुगर पेशेंट है खासकर जो लोग डायबिटिक हैं, उनको किस तरह से अपना जो प्लेटर है वो बनाना चाहिए ताकि हर तरह की डिफिशेंसी से भी बच सकें और यू नो ज़रा एनर्जी में भी रहें? अच्छा नविया, यहाँ पे एक बड़ा मिस कॉन्सेप्ट है कि हम शुगर के पेशेंट को कहते हैं कि अगर इसको डायबिटीज़ हो गया ना तो उसका खाना पीना सब कुछ बंद कर देते हैं, जब फ्रेश जूसेस ही बंद कर दिए जाते हैं, फ्रूट्स ही बंद कर दिए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे, और वो फिर और बहुत ज़्यादा लेथार्जी फील करते हैं। जबकि शुगर के पेशेंट्स को आप स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स देते हैं और उनकी टाइमिंग्स बहुत मैटर करती है कि आप उन्हें किन टाइम पर क्या चीज़ दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे एशियन पॉपुलेशन में ये होता है कि 9-10 बजे तक ना हम खा रहे होते हैं और फूड्स रात में खा रहे होते हैं, तो शुगर के पेशेंट्स को हम देते सब कुछ हैं बट इन अ मॉडरेट क्वांटिटी, और उनके जो फूड होते हैं जो हाई ग्लाइसेमिक, जैसे ग्रेप्स हो गया, बनाना हो गया, मैंगो हो गया, ये नहीं हम देते, क्योंकि जब हम यहाँ पे खाते हैं तो वो फिर हम पूरा प्लेटर फूड सैलड के फॉर्म में खाते हैं। तो शुगर के पेशेंट्स को 1-2 फूड्स जो हैं वो अलाउ होते हैं पूरे दिन में, और जिसमें लो ग्लाइसेमिक, जिसमें सेब, आड़ू, किन्नू, मौसमी, ये वाले आप फूड्स उनको दे सकते हैं। अच्छा समान, एक बात हमने बहुत देर तक सुनी, हम सुनते चले आए कि जो हमारे मील्स हैं उसमें जो वाइट कलर का जो एक जो निशान आ जाता है, ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, ये मिथ है या इसमें कोई हकीकत है? नहीं नबिया, समहाउ इसमें ये थोड़ी रियलिटी भी है कि कैल्शियम, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग हम डिस्कस कर रहे थे कि जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, हम इस पर फोकस नहीं करते। जब तक प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड तक आपकी बॉडी किसी भी विटामिन पे, किसी भी मिनरल पे डेफिशिएंट रहेगी, वो लेटर ऑन आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके या तो स्किन पे आ जाते हैं, या समटाइम्स बच्चों के आप देखते हैं कि दांतों में शो होना शुरू हो जाते हैं, और समटाइम्स आपके नेल्स में होना शुरू हो जाते हैं, और इवन आपके जब भी आपके विटामिन या मिनरल्स की डिफिशेंसी होगी तो आपका हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जब आपकी बॉडी में बहुत टाइम तक आप इन चीज़ों में डिफिशेंसी आपकी बॉडी में, तो वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे शो होना शुरू हो जाता है। शुगर कितनी नुकसानदेह है ये सारी हमारे बहुत सारे खानों में, देसी खाने हमारे जो होते हैं, नान, रोटी, और फुल ऑफ कार्ब्स, और शुगर भी इसमें मौजूद होती है। हमारे यहाँ तो चीनी से मुराद वही है ना कि बस चीनी जो हम डालते हैं, लेकिन उसके अलावा जिस रोटी में भी शुगर का एक कंटेंट मौजूद है, जो नान हम सुबह सुबह अपने नाश्ते कर रहे होते हैं, ये भी नुकसानदेह है हमारी बॉडी के लिए, जो इतनी सारी शुगर हम दिन भर कंज्यूम कर रहे होते हैं। नबिया, मेन कल्प्रिट ही हर बीमारी का शुगर है, उसके पीछे शुगर है। और आप ये देखें कि हमारी हर चीज़ में ही, जो बेकरी की चीज़ें हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इवन घर में भी, तो वो हमारा सारी शुगर, चीनी हमारे चम्मच डल रहे होते हैं, जबकि आपकी डेली की रिक्वायरमेंट ही 1-2 टेबलस्पून होती है आपका जो शुगर इनटेक है। वो भी हम ये रिकमेंड करते हैं कि जो ब्राउन शुगर है आप उसकी तरफ चले जाएं, गुड़, शक्कर ये इस्तेमाल कर लें, शहद इस्तेमाल कर लें, जितना ऑर्गेनिक हो जाएंगे, जितना प्योर हो जाएंगे, उतना हम ये क्रॉनिक डिजीज से बच जाएंगे। और आप देखें जितना हमारा चीनी का इस्तेमाल हो गया है, मैदे वाली चीज़ों का, नान का आपने अभी बताया, नान और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो गया, उतना ही हम ओबेसिटी की तरफ चले गए हैं, उतना ही हम क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ चले गए हैं। शुगर सिर्फ अब एडल्ट्स में नहीं, इवन बच्चों में होना शुरू हो गई है, सिर्फ इसीलिए कि वो पैकेज चीज़ें, जो शुगरी चीज़ें हैं, वो हमारी डाइट में, हमारी डेली लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा इंटेक होता। अच्छा, हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी प्लेटर किस तरह से डिज़ाइन करें? मैं चाहूँगी जाने से पहले लास्ट टिप हमारे देखने वालों को आप ज़रूर दें समझ। अच्छा नबिया, उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपके टाइमिंग्स बहुत मैटर करते हैं कि आप क्या खा रहे हैं और कब खा रहे हैं, और सेकेंडली होता है कि आपने जो अपना प्लेटर बनाया है उसमें फूड ऑप्शंस वो न्यूट्रिएंट डेंस हैं या एम्प्टी कैलोरीज। न्यूट्रिएंट डेंस वो जो आपको ताकत और गज़ा देने वाले प्योर चीज़ें हैं, और एम्प्टी कैलोरीज वो जो आपका जंक फूड है। तो यही प्रेफर करना चाहिए कि एक तो हमारी टाइमिंग्स फिक्स हों, और इसमें फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर इंगेज करें, और जितने भी फूड ग्रुप्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, हेल्दी फूड ग्रुप्स, उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। थैंक यू सो मच समर, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, और डिफिशेंसीज कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स की, हमें कितना नुकसान इससे उठाना पड़ सकता है, तो इसकी टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। बर वक्त टाइमली अगर हम इसका चेकअप करवाते रहें, अपने टेस्ट करवाते रहें, ताकि सारा चेक इन हम रख सकें कि हमें खुदा ना खास्ता किसी भी चीज़ की डिफिशेंसी तो नहीं है, हमारा HB लो तो नहीं है, क्योंकि ये फिर खुदा ना खास्ता आपको सीरियस हेल्थ इश्यूज़ की जानिब लेकर जा सकता है। तो प्रोग्राम का नाज़रीन टाइम हो रहा है ख़त्म, इंशाल्लाह आपसे होगी दोबारा मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे हैप्पी एंड ईट हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।